हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं न्यून टेक्स्ट इफेक्ट पिक्सलैब के अंदर किस तरह से बनाते हैं। इस पर्पज़ के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है। तो इस पर्पज़ के लिए आपने पिक्सलैब को ओपन करना है, इसके बाद से आपने जो है 3 डॉट से इमेज साइज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर देने के बाद से आपने न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करना है और वो टेक्स्ट टाइप करना है जिसको आप राइट करना चाहते हैं। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद से आपने यहाँ से इसको ड्रैग करके इसके साइज़ को इनलार्ज कर लेना है। उसके बाद से आपने ए से ए बी फॉन्ट स्टाइल में जाना है और कोई भी फॉन्ट स्टाइल जो है वो आपने चूज़ कर लेना है। इसको ओके कर देने के बाद से आपने यहाँ पे जो कलर है इसका फॉन्ट का वो ब्लैक रखना है। सो ब्लैक कलर को चूज़ कर देने के बाद से आपने यहाँ पे ओके कर देना है और इसके बाद से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे जाना है। इसको आप इनेबल करेंगे, इनेबल कर देने के बाद से आपने यहाँ से वाइट कलर जो है वो चूज़ करना है और यहाँ पे जो है स्ट्रोक की लेंथ जो है वो आपने बढ़ा देनी है, 15 के अराउंड रख लेनी है। इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद से आपने यहाँ से अब जाना है शेप्स में। शेप्स में जाके आपने यहाँ से सर्कुलर जो है वो शेप चूज़ कर लेनी है और इसके साइज़ को आपने थोड़ा स्मॉल कर लेना है। यहाँ से आप जो है इसका कलर जो है ब्लैक रखेंगे, इसको ओके कर देंगे और जो है इसको आपने स्मॉल कर लेना है। यहाँ से जूम से आप थोड़ा स्क्रीन को जो है वो इनलार्ज कर लेंगे और यहाँ पे आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो ब्लैक कलर है इसको आपने ओके कर देना है। यहाँ पे इसको सेट कर देने के बाद से आपने लेयर्स में जाना है और यहाँ से लेयर्स को आपने मर्ज कर लेना है। इनको यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ मर्जिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारे पास ये लेयर मर्ज हो गई है। इसके बाद से हमने यहाँ से ओके कर देना है। अब आपने इरेजर कलर में जाना है और यहाँ से आप इसको इनेबल करेंगे। इनेबल कर देने के बाद से आपने यहाँ पेंसिल आइकन में कलर जो है वो ब्लैक चूज़ कर लेना है और इसको यहाँ पे आप ओके कर देंगे। देखो, यहाँ से हमारे पास कलर रिमूव हो जाएगा। टॉलरेंस को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें और इसको ओके कर दें। जो हम इसको जूम इन कर लेते हैं दोबारा से स्क्रीन साइज़ को और इसको जो है आपने रिलेटिव पोजीशन से कंट्रोल करके मिडल में कर लेना है। अब इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद से आपने जाना है यहाँ से शेडो में और इसको इनेबल करेंगे। इनेबल कर देने के बाद से आप अपनी मर्जी का जो न्यून लाइट इफेक्ट बनाना चाहते हैं वो कलर जो है वो चूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ओके करेंगे। ओके कर देने के बाद से आपने करना ये है कि इसी लेयर को आपने 2 से 3 टाइम जो है वो कॉपी कर लेना है। 3 टाइम कॉपी करेंगे, आप रिलेटिव पोजीशन में अगेन आएंगे। यहाँ से आपने इसको इन बिटवीन ले आना है स्क्रीन के, तो इसको यहाँ पे सेट कर देने के बाद से आपने करना ये है कि जो स्क्रीन का जो बैकग्राउंड कलर जो है वो आप ब्लैक कलर चूज़ कर लेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो है ये सिलेक्ट हो गया। इसको आप कोई भी लाइट डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी।